हेलो गाइस, कैसे हो आप सब दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज हम फ्रेंड्स इस वीडियो में बीएसएफ एंड सीएसएफ कॉन्स्टेबल के वैकेंसीज के बारे में दोस्तों बात करेंगे। आपको गाइस कैसे फॉर्म फिलअप करना है और गाइस आपको किस किस बात की मतलब पता होना चाहिए, किस किस बातों का, हम सारे डिस्कस वीडियो में कर लेंगे। तो मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड्स आप यहाँ पर स्टार्टिंग में देख सकते हैं, जो हमने साइट ओपन कर रखी है फ्री जॉब अलर्ट, ठीक है। आपको साइट ओपन कर लेनी है गाइस, और यहाँ पे आप देख लीजिए बीएसएफ रिक्वायरमेंट 2019 1356 कॉन्स्टेबल वैकेंसीज गाइस, जिसमें जो भी आपकी टोटल वैकेंसीज आई हुई हैं 1356 है, 1356 वैकेंसीज आपकी अभी हाल ही में कॉन्स्टेबल की आई हुई हैं। और गाइस नीचे देखिए यहाँ पे बीएसएफ कॉन्स्टेबल जीडी ऑफलाइन फॉर्म गाइस, ये जो फॉर्म आप देख रहे हैं इसको आप मतलब ऑनलाइन नहीं कर सकते, इसको आप ऑफलाइन भर सकते हो। ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन भर के आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो आराम से, ओके गाइस। और नीचे देखिए स्टार्टिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन गाइज, आप इसका मतलब जो भी फॉर्म गाइज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 तारीख से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो 11वें महीने से, मतलब नवंबर से, मानिए कि मतलब कि मान लीजिए कल से ही इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हो। क्योंकि जो गाइज में लास्ट डेट देखिए यहाँ पे 14 तारीख की, इसमें दोस्तों आपकी लास्ट डेट दी गई है, आपको ओनली 7 डेज मिलेंगे इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो गाइज जिस लोगों ने मतलब फॉर्म फिलअप करना है, जो भी इससे वैकेंसीज में मतलब वैकेंसीज में जो भी लोग इस वैकेंसीज में इंटरेस्टेड है वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें अगर आपकी एज लिमिट की बात की जाए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 18 से 23 ईयर आपकी एज होनी चाहिए, 18 से 23 के बीच में आपकी एज इसमें होनी चाहिए, 2896 से लेके देन 1-8-2001 के बीच में आपकी एज कम से कम इंक्लूड हो मानी जाएगी, इसके बीच में आपकी एज होनी चाहिए या फिर इतनी एज हो आपकी चल जाएगी इसमें। और गाइज जो भी एस सी एस टी से कास्ट से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से हैं, उनको गाइज योग्यता अनुसार आपको छूट मिलेगी इसमें, आप आराम से चेक कर लीजिएगा बाद में, ओके। अगर इसमें आपका जबकि मतलब इसमें आप अगर गाइस इसमें आपकी क्वालिफिकेशन की बात की जाए, यहाँ पे देख लीजिए आप कैंडिडेट सूट प्रोसेस मेट्रिकेशन 10th क्लास 4 गवर्नमेंट बोर्ड, आपने गाइस पूरे भारत में आपने किसी भी बोर्ड मतलब कहाँ भी किसी भी बोर्ड से आपने 10th पास कर रखी हो आपकी चल जाएगी वहाँ पे। आपके पास ओनली 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, आपने कौन से भी बोर्ड से कर रखी हो, चाहे यूके बोर्ड से की हो या फिर बिहार बोर्ड से कर रखी हो, लेकिन आपके पास 10th का मार्कशीट होनी चाहिए। इसमें गाइस आपकी यहाँ पे देखिए वैकेंसी डिटेल्स है, इसमें क्या जबकि जो बीएसएफ की वैकेंसी दी गई हैं 618 वैकेंसी है मेल के लिए, फीमेल के लिए 119 वैकेंसी दी गई हैं। और गाइस सीएसएफ कॉन्स्टेबल में आपकी मेल के लिए 566 वैकेंसी हैं और फीमेल के लिए 63 वैकेंसीज हैं, ठीक है गाइस। और यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन एप्लीकेशन फॉर्म गाइस, यहाँ पे आप क्लिक करके आराम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हैं और गाइस इसके बाद में इसका आप अपने आप से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है गाइस। मैं आपसे इतना मतलब कहूँगा, जो भी मतलब फॉर्म को भरना चाहते हैं गाइस, प्लीज अपने फॉर्म को ध्यान से भरिएगा ताकि आपका एडमिट कार्ड वापस आ जाए, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों। अगर आपका मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, अगर फ्रेंड आपको इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका जवाब दोस्तों पक्का दूंगा। आपको कुछ भी डाउट्स लगेगा इस तो मुझे बता देना कमेंट करके, ओके। एंड फ्रेंड थैंक यू सो मच।